वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। अब हम पहले प्रश्न को श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, मैं सीमा दिल्ली से, मेरा प्रश्न है, पिछले एक साल से मैं आपके सत्संग सुन रही हूँ और भक्ति प्रश्नोत्तरी भी देखती हूँ। मुझे आपकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। मैं पिछले दो साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रही हूँ। मैं रोज 16 माला करती हूँ, कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो कभी 11 ही कर पाती हूँ। मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, मैंने बाल गोपाल की सेवा ले रखी है। मुझे कभी कभी जागृत अवस्था में बैठी हुई माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, इसका क्या अर्थ समझे गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। लक्ष्मी माता का दर्शन होते हैं स्वप्न में। श्री राधे। ये बहुत अच्छा है कि आप जब रोजाना कर रही हैं, लेकिन 16 माला की जगह 11 माला करना ये ठीक नहीं है। 16 माला की संख्या न्यूनतम मानिए आप, न्यूनतम संख्या अर्थात मिनिमम जो है 16 माला, इससे ऊपर जरूर करिए, नीचे अर्थात कम मत करिए। और स्वप्न में माता का दर्शन होना या भगवान का दर्शन होना परम कल्याणकारी है। आपका उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान ये कृपा कर रहे हैं। आप लगे रहिए और जप की संख्या और बढ़ाइए तो लाभ और अच्छा होगा। भक्त चरितावली प्रतिदिन श्रवण करिए और व्यर्थ की वार्ता जो होती है, निंदा चुगली, दूसरों का दोष गुण कथन, भक्तों का चरित्र तो सुनिए और फालतू वार्ता से दूर रहिए तो लाभ ज्यादा होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, मेरा नाम अविनाश पांडे है। मेरे दो सवाल हैं। पहला प्रश्न है, मेरे पिताजी का देहांत अभी कुछ समय पहले हुआ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसे हमने उनके लिए महामृत्युंजय का पाठ किया, बाकी की पूजा अर्चना सब की, पर मेरे पिताजी नहीं रहे, अगर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर इन मंत्रों का क्या फायदा, करने से क्या लाभ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। ये मंत्र आपको लग रहा कि व्यर्थ चला गया क्योंकि मृत्यु का जय नहीं कर पाया। मृत्युंजय जो नाम है अर्थात मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना, हुआ नहीं हो पाया इसलिए आपको लग रहा कि व्यर्थ चला गया। वास्तव में व्यर्थ तो नहीं गया है, दिखलाई पड़ रहा है व्यर्थ जाते हुए। कारण ये है कि अनिवार्य जो प्रारब्ध होता है, दुर्निवार प्रारब्ध, वो टलता नहीं है। बस वो उसका जो पुण्य है उनको प्राप्त हो गया, जो जप किया गया उनके लिए वो पुण्य प्राप्त हो गया। अब मरणोपरांत जहां भी उनको भगवान ने भेजा होगा वहां उसका फल, मृत्युंजय जप का फल उनको मिलेगा, अर्थात बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, भक्ति में प्रगति मिलेगी, सुख सुविधाओं में भी लाभ मिलेगा। तो कि उनके लिए किया गया जप पूर्ण रूप से व्यर्थ नहीं गया है। हाँ, मरण का काल नहीं टल सका, बस केवल यही लाभ नहीं हो पाया और लाभ तो उनको निश्चित मिला होगा। राधे राधे। उनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी जैसे कहते हैं कि निकुंज प्राप्त करने के लिए सहचर्य भाव भावित होना जरूरी है, जब आत्मा कोई शरीर नहीं होता, ना आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, तो उसके लिए सहचर्य भाव की कल्पना क्यों की जाती है, कृपया संदेह का निवारण करें। श्री राधे राधे। श्री राधे। देखो, पार्थिव शरीर नहीं होता, केवल पंचभूत का, पंचभूत का जो शरीर है, गगन समीर अनल जल धरणी, ये पांच जो भौतिक पदार्थ होते हैं ये पंचभूत का शरीर, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, यही केवल शरीर नहीं रहता, यहाँ छूट जाता है, जिसको जला दिया जाता है। किंतु जब जीवात्मा निकलता है तो वो जीवात्मा होता है, उसके साथ जीव अर्थात जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये उसके साथ जाता है। ये 15वें अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है
और वहां ये भी कहा है कि ये सबको पता नहीं चलता है, वो ज्ञानी जनों को ही पता चलता है कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इस शरीर को छोड़कर चले गए, पंचभूत का शरीर धरती पर रह गया और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर उस आत्मा के साथ गए अंतःकरण चतुष्टय को ले करके। तो अंतःकरण चतुष्टय जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये भी साथ में जाता है। केवल पांच जो पृथ्वी के जल के आकाश के अग्नि के ये पांच जो तत्व होते हैं गगन समीर अनल जल धरनी, बस यही जड़ करनी वाले हैं, इनके नाथ सहज जड़ करनी, वही छूटते हैं और सब शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अंतःकरण चतुष्टय और जीवात्मा ये एक साथ जाते हैं। और विमूढ़ा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुषः, ये भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है कि इनके जाते हुए की स्थिति को विमूढ़ लोग नहीं जान पाते, ज्ञान चक्षु वाले जान जाते हैं। तो ये जो मन है बुद्धि है चित्त है अहंकार है और कारण शरीर अर्थात वासना का शरीर, ये भोगा हुआ भोग उसका संस्कार ये सब लेकर जाते हैं। तो इनको यदि हम भक्ति का रंग दे पाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वासना को भगवान भगवान की भक्ति की वासना से जोड़ दिया गया है, तो इनको जैसे सहचरी भाव आपने कहा तो भगवान अर्थात राधा रानी की सेवा इनको प्राप्त हो जाएगी अगले जन्म में। इसलिए ये कोशिश की जाती है कि यहाँ से जाने के पहले ये भक्ति का रंग लग जाए तो अगले जन्म का फायदा हो जाएगा, क्योंकि छठे अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा है कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते परोदयिकम इतते भूय संसिद्धौ कुमंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते सोपित जिज्ञासुरप योगस्य शब्द ब्रह्मात् वर्तते प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। ये भगवान ने कहा है छठे अध्याय में, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम, अनेक जन्म की साधना इकट्ठी जब होती है ततो याति पराम गतिम, तब जीव परम गति को प्राप्त करता है। तो इसलिए इसके जन्म जन्म की साधनाओं को इकट्ठा करने के लिए मृत्यु के पहले इसको सावधानी के साथ तैयार किया जाता है। ये सत्संग के द्वारा भक्ति के द्वारा जप के द्वारा भक्त भगवंत चरित्र के द्वारा ध्यान जप के द्वारा ये कार्य होता है। और ये पंचभूत ही तो यहाँ छूटा और सबका सब भक्ति संस्कार को लेकर के गया अगले जन्म के लिए, इसलिए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अब आपके समझ में आ चुका होगा मेरा अनुमान है। श्री राधे राधे। ये आगे पूछ रहे हैं गुरु जी कि स्वामी जी एक ब्राह्मण जो द्विज है वो यज्ञोपवीत पालन कैसे करे और यज्ञोपवीत धारण विधि और अशुद्ध होने पर उस जिनों को उतारने की विधि क्या है, कृपया करके समझाने की कृपा करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। भैया ये जो कर्मकांड का विषय है फायदा तो इसमें भी है जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ऊपर भक्ति वाला लाभ है। इसमें तो आपको बहुत सावधानी करनी पड़ेगी, त्रिकाल संध्या करना होगा, जनेऊ को शुद्ध बनवाना पड़ेगा, जनेऊ को शुद्धता से और शरीर की पवित्रता जैसे मलमूत्र त्याग के बाद स्नान करना और प्रक्षालन करना हाथ पैर अंगों का और मुख की शुद्धि करना, वस्त्रों को धोकर पहनना, अघमर्षण आदि करना, तो सब सारे नियम जो कर्मकांड के बहुत बड़े उन सबको करते करते लाभ क्या होता है, यदि सत्संग मिला तब तो अहंकार से बच जाते, नहीं तो अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े पंडित हैं। इससे अच्छा है कि आप ये जितना कर पाओ कर लो और भक्ति में लगो। यदि आप भक्ति में नहीं लगोगे तो ये करते करते समय बहुत जाएगा और प्रभु से प्रेम नहीं हो पाएगा। तो आप सत्संग करो, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करो,
पूरा संध्या वंदन त्रिकाल नहीं कर सकते हो तो एक टाइम गायत्री जप कर लो। गायत्री जप माला से कम एक माला, ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर लो, लेकिन एक बार जब जब जनेऊ पहनते हो तो, जनेऊ पहनते हो तो एक बार गायत्री जप जरूर करो और शेष टाइम में प्रभु के नाम का जप करो, भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करो, ध्यान करो भगवान का, इससे कल्याण होगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आगरा से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ गुरु जी, मैं आपसे दीक्षित हूँ। मेरा प्रश्न है कि गुरु जी, पिछली गुरु पूर्णिमा पर जो कपड़े को सर पर डालकर दीक्षा ली थी आपसे, वह अचला था। गुरु जी, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और मेरे पति ने उस अचले को पहन लिया। गुरु जी, मैं अब आपसे मैंने सुना है कि जिस कपड़े से दीक्षा ली जाती है उस कपड़े को सर पर डालकर भजन करना चाहिए, तो अब उस अचले को क्या किया जा सकता है? गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करें और जो अपराध हुआ है उस अचले को पहनने से उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है? श्री राधे राधे। राधे राधे। दीक्षा यदि उनकी हुई हो जिसने सिर पर धारण करने की जगह नीचे पहन लिया है, तो वो उसको धो करके भगवान से क्षमा मांग करके फिर से सिर पर धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी दीक्षा हुई और दूसरे ने उसको पहन लिया है तो आप उस कपड़े को अब मत लेना उनसे, उन्हीं को पहनने दो। अब आप उसको ले करके फिर सिर पर रखोगे तो वो उचित नहीं होगा। अब आप ऐसा करना कि भगवान को कोई वस्त्र पहनाओ, नया दूसरा खरीद करके उसको पानी से धोकर बिना साबुन लगाए और उसको छाया में सुखाकर, जिससे जीव जंतु गंदगी न करें उस पर, और उसको आप भगवान को पहनाओ। भगवान को पहनाने के बाद वो प्रभु के प्रसादी के रूप में उनसे ले करके उसको आप सिर पर रख करके भजन ध्यान पूजन के समय बैठा करो। उनका पहना हुआ कपड़ा वापस मत लेना। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सनू है, मैं बक्सर से बोल रहा हूँ। इनका तीन प्रश्न है गुरु जी। पहला प्रश्न है, क्या तुलसी की नाम वाली लोकेट माला गले में हमेशा धारण कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। तुलसी की माला को गले में हमेशा धारण करना है, स्त्री को, पुरुष को, बच्चे को, बूढ़े को, जिसको एक बार पहना दिया गया उसको हमेशा पहनना है। लॉकेट, जिसमें लॉकेट मतलब भगवान का चित्र, एक तो लॉकेट होता है भगवान के चित्र का, एक होता है जिसमें भक्तमाल के ग्रंथ छोटा सा अंदर रखा रहता है, एक होता है जिसमें संपूर्ण गीता लिखी हुई है, ऐसा लॉकेट होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो भगवान के चित्र, जैसे गले तक आप सर्वदा शुद्ध होते हैं, गले तक शुद्ध होते हैं, गले के नीचे इसको नहीं लटकाना चाहिए, तो आप इसको पहने रहिए, इनको नहीं छुड़ाना चाहिए। केवल उस व्यक्ति के लिए इनको छुड़ाने की विधि होती है जो शरीर छोड़ चुका है, उस चिता पर पहुंचाया जा रहा है। तो तुलसी की माला तो नहीं हटानी चाहिए, तुलसी की माला तो पहने रहना चाहिए, लेकिन गीता का ग्रंथ है, भक्तमाल का ग्रंथ है या भगवान की फोटो है, उसको नहीं जलाना चाहिए, उसको निकाल लेना चाहिए। किंतु जीवन काल में अन्य कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि इनको हटाया जाए गले से। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, ये कह रहे हैं, गुरु जी मुझे दूसरों का प्रायः दोष दर्शन और अपने में श्रेष्ठता का भाव होता रहता है, मैं इस विकार से कैसे निकलूं? कृपया इस समस्या का समाधान करें। श्री राधे राधे। इससे मुक्त होने का बड़ा सरल उपाय है महान लोगों का स्मरण करना, अपने से छोटे लोगों की ओर नहीं देखना, देखना हो तो अपने से बड़े को देखो कि हमसे कितने बड़े 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 महान 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 संत भक्त हुए हैं, हम उनके सम्मुख कुछ भी नहीं। तब ये भाव अंदर पैदा होगा, तृणादपिस्तु नीचे न तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि।
भगवान का कीर्तन जप ध्यान करने के लिए ये पात्रता होती है क्या? तृणदपिस्तु नीचे न, हमको तिनके से भी छोटा अपने को मानना है। अपने अवगुण याद कर लो, हमारे अंदर कितने अवगुण हैं और दूसरे कितने महान महान भक्त हैं जिनका चरित्र हम सुनते हैं, तो उनके सम्मुख हम तिनके के बराबर भी नहीं रहे और छोटे हो गए। तरो रिहु सहिष्णुना, वृक्ष के ऊपर पत्थर मारते हैं वो खाने को फल देता है, मारने वाले को वृक्ष खाने के लिए फल देता है। अब सोचिए कितनी बड़ी सहन शक्ति उसकी कि जिसको मारा वो फल दे रहा है खाने के लिए। तो ऐसे ही सहन शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। सबसे छोटे हैं और सहनशीलता में गड़बड़ी है। अमानिना मान देन, और जो मिलते हैं उनसे ये आशा नहीं करें कि वो हमको प्रणाम करेंगे, हमारा चरण छुएंगे, ये नहीं सोचिए, बल्कि हम उनका आदर करें क्योंकि वो भक्ति में हमसे आगे हैं। तो उनका आदर जैसे आपसे बन सकता करिए और अपने आदर की अभिलाषा मत करिए, तब भगवान की भक्ति में कीर्तनीय सदा हरि है। तब भगवान के कीर्तन अर्थात गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, यश कीर्तन में आप लगे रहोगे तो उद्धार निश्चित है। इतनी चीज ही आपको याद रखनी पड़ेगी, अपने को छोटा मानना, अपने को सहनशील बनाना, अपने को सम्मान न चाह के दूसरे को सम्मान देना, उसके बाद भगवान के नाम गुण यश कीर्तन में लगे रहो। राधे राधे। श्री राधा देव, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है और मैं बिहार से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक शिवालय, ऐसा माना जाता है कि उनका द्वार रातों रात शिव जी की कृपा से पूर्व से पश्चिम हो गया, जहाँ पर लोगों का शिवरात्रि में बहुत भीड़ होता है, पूजा करने में बहुत बाधा होती है, तो क्या गुरु जी उस शिवालय में पूजा करने से विशेष कृपा होगी? तो ऐसे में क्या हमें उसी शिवालय में पूजा अर्चना करना चाहिए या गांव के ही शिवालय में पूजा अर्चना करना चाहिए? गुरु जी इस समस्या का समाधान करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। जिस शिवालय की महिमा आप बताई है, वहां कभी एक बार दर्शन करने के लिए चले जाना, उस समय जाना जब भीड़ न होती हो, बिना किसी पर्व के जाना, जब केवल दर्शन मिल जाए आराम से, जल भी चढ़ा लेना, प्रणाम कर लेना, उनके गुणगान कर लेना, भगवान का नाम राम राम सुना देना, उसके बाद आप उस शिवालय में भजन करो, जप करो, पूजन करो, जल चढ़ाओ, जहां सबसे कम लोग जाते हो, सबसे कम, ऐसे समझो ना कि जहां एकता, ये बिल्कुल एकांत हो, बिल्कुल एकांत हो, शांति से बैठ करके उनका पूजन करो, प्रभु को जप सुनाओ, कथा सुनाओ भगवान के भक्तों की, तो वहां शिव जी की कृपा ज्यादा होगी। भीड़ भाड़ में धक्का खाने से ज्यादा लाभ नहीं होता है, एकदम एकांत में बैठ के पूजन करने का लाभ ज्यादा होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरु जी क्या हमें बिलपत्र पर राम नाम लिखकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए या कुछ और? श्री राधे राधे। बिलपत्र पर राम राम लिखने के लिए आप केसर से या चंदन से लिख सकते हैं, और लिखा हुआ जो है चिकना वाला जो सरफेस होता है वो उधर लिखते हैं, खुरदरे वाले पर नहीं, और चिकना वाला अर्थात लेखन किया हुआ जो तल है उसको वो भगवान को स्पर्श करा के अर्थात उन्हीं की ओर रख करके उसको चढ़ाना चाहिए। अब ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा उसके बाद कि बाद में सफाई जब वहां पर होगी मंदिर में, तो उसको झाड़ू लगा करके उठा के नाली और कचड़ा में तो नहीं फेंका जाता है, ये जो कूड़ादान में, नाली में, कचड़ा में उसको फेंका गया, तो राम राम जी लिखे हुए जो हैं उनके ऊपर पैर पड़ेगा किसी का तो दोष लगेगा। तो आप चढ़ाइए, लेकिन सफाई होने के पहले आप उठा ले जाइए उनको, और उनको आप सुखा लीजिए, सुखा करके फिर आप उनको एक ताबीज बना करके उनको गले में धारण कर लीजिए, भगवान की प्रसादी हो गई, राम नाम
और बिल्व पत्र उसको आप गले में धारण कर लीजिए या सुरक्षित कोई डिब्बे में रख लीजिए, अनादर नहीं हो, पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो लेखन के बाद जो होने वाला अपराध है उससे आप बच जाएंगे और लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं श्याम भाई गुजरात से बोल रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है, वह भी सोमवार की है, और जो अमावस्या आ रही है वह भी सोमवार की है, तो गुरुदेव उसके लिए क्या पूजा विधान है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। अच्छा, तो गुरु पूर्णिमा तो अब बीत चुकी है, आज प्रश्न मेरे सम्मुख आया है, तो क्या पूछ रहे हैं? गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा और अमावस्या में 15 दिन का अंतर होता है, तो आप अलग अलग दोनों को आराम से मनाइए, और सोमवार का दिन यदि है तो शिव जी को जल भी चढ़ा दीजिए, तो आपका गुरु पूर्णिमा और अमावस्या भी हो जाएगा और शिव जी का सोमवार पूजन भी हो जाएगा, श्रावण का सोमवार। व्रत करते हैं तो व्रत भी कर लीजिए, और नहीं तो भगवान का राम राम नाम, श्री राम, जय जय राम, यही कीर्तन उनको बैठ करके सुना दीजिए। भगवान शिव जी को जल चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, राम नाम कीर्तन सुनाइए, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, मैं जिज्ञासा रहेजा रायपुर छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, मेरे घर में 15-20 दिन अच्छा चलता है मेरे पति और बच्चों के साथ, फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मन मुटाव गुस्सा इससे आ जाता है, फिर नाम में मन नहीं लगता, सिर में दर्द होता है और बेचैनी होती है, इसका समाधान बताइए गुरुदेव। श्री राधे राधे। इसका बहुत बढ़िया समाधान है, आप पहले खुद ही शुरू करो, बाद में और लोगों को भी जोड़ो। करना ये होगा कि आपको अपने घर में ही एक जगह, यदि मंदिर है तो मंदिर में, नहीं मंदिर है तो कोई एक जगह जहां आपको पवित्र जगह लगे, घर के अंदर कहीं भी बैठ के कीर्तन 1 घंटा प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करना है, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन, प्रतिदिन करना है। सब लोग एक साथ बैठेंगे तब तो सबका परम कल्याण होना निश्चित है, और सब नहीं बैठ पाते हैं शुरू शुरू में, तो जितने लोग आपके साथ बैठ जाए उतने लोगों को बैठा के 1 घंटा कीर्तन करो, और बाद में फिर धीरे धीरे सब लोग बैठने लग जाएंगे यदि आपका प्रयास चालू रहेगा तो सब अशांति दूर हो जाएगी, कलह दूर हो जाएगा, और भक्ति का प्रादुर्भाव और विस्तार भी हो जाएगा। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बुद्धा राम शर्मा सूरत से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या गृहस्थ में रहकर मानसिक ओम नाम का जाप कर सकते हैं या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। भगवान के सभी नाम जप किए जाते हैं, और ओम के विषय में थोड़ा मतभेद है, तो मैं मतभेद की बात तो नहीं कहूंगा, मैं तो यही कहूंगा आप मानसिक जप करिए। ओम का ही जप आपको करना आवश्यक लग रहा है तो मानसिक जप करिए, और यदि आपको बोल बोल करके करना है तो आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये करिए। चाहे सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, या श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तो भगवान का कोई भी नाम जप करो। और यदि ये प्रणव का ही आपका आग्रह है, ओम का ही आग्रह है, तो मानसिक जप करिए उसको। श्री राधे राधे। श्री राधे गुरुदेव, आपकी नाम किस तरीके से जप करें कि आज्ञा चक्र में उस स्वतः ही नाम प्रकट होने लग जाए। राधे राधे। चक्र में श्री राधे राधे। आज्ञा चक्र में प्रकट करने के लिए मूलाधार जागृत करना पड़ता है। मूलाधार मेरुदंड का सबसे निचला चक्र होता है, जो मलमूत्र की इंद्रियों के बीच में होता है, जहां 3.5 चक्कर लगा करके
कुंडलनी विराजमान होती है। तो मूलाधार को जागृत करने के लिए सिद्धासन लगाया जाता है, सिद्धासन सही सही लगना चाहिए। फिर आप प्राणायाम करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो वो जब जागृत हो जाएगा तो ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में सुषुम्ना में गति दिखलाई पड़ेगी, अनुभव होगी। और स्वाधिष्ठान के ऊपर मणिपुर चक्र जो नाभि में वहां होगा, फिर अनाहत चक्र जिसको हृदय चक्र बोलते हैं उसके ऊपर विशुद्ध चक्र जो गले में है, फिर आप आज्ञा चक्र में पहुंचेंगे। यदि किसी का पिछले जन्म का है साधना का प्रभाव, बहुत अच्छा प्रभाव, तब वो सीधा आज्ञा चक्र में ही प्रकट हो जाएगा। तो यहां ऐसा लगेगा कि कुछ रोशनी हो रही, अब आंख बंद करके होंगे तो ध्यान कर रहे होंगे आज्ञा चक्र का, तो आपको एकदम तीव्र तीव्र रोशनी प्रकट होगी, यदि पिछले जन्म की साधना है तो। और नहीं तो आपको मेरुदंड के निचले भाग से ही शुरू करना होगा जैसा मैंने अभी बताया। तो जब यहां आप पहुंचेंगे तो नाम महाराज का ध्यान करिए या प्रभु के रूप का ध्यान करिए तो आज्ञा चक्र प्रदीप्त हो जाएगा और बहुत सारी सुगंध भी प्रकट होगी और आनंद भक्ति ज्ञान सब प्रकट होगा। श्री राधे राधे। ये सीताराम बाबा, ये ब्रह्मचर्य रहने के लिए क्या क्या चीज से सावधानी रहना चाहिए? देखो भाई, जो शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप एक आसन पर, जैसे अभी आप बैठे हैं, ये सही आसन तो नहीं है, जैसे पद्मासन पर बैठिए या सिद्धासन पर बैठिए, इन दोनों में से जो आपका लग जाए। सिद्धासन थोड़ा कठिन है, पद्मासन यदि खींच करके चढ़ा करके बैठेंगे आप, ये जैसे खींच कर आप बैठे तो ये बहुत देर नहीं लगेगा, थोड़ी देर में पिंडलियों में दर्द होगा, हटाना पड़ेगा। ये जो बिना प्रयास के बिना हाथ लगाए पद्मासन लगता है, अपने आप पैर आ जाते हैं बिना छुए, तब आप 3.5 घंटा बैठ सकते हैं। पहले दिन शायद न बैठ पाए, आगे बैठने लग जाए। यदि किसी का ये 7 घंटे बैठने का हो जाए और फिर वो अभ्यास करता जाए तो भोजन खान पान सूक्ष्म आहार रखना पड़ेगा, और ये 14 घंटा यदि होने लग जाए तो निश्चित ही ऊर्ध्वरेताव होना शुरू हो जाएगा, अर्थात वीर्य की गति ऊपर की ओर हो जाएगी, अधवा नहीं रहेगी, और फिर उस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि स्थिति ये नहीं बनती, कठिन बात है, तो फिर सावधानी रखनी पड़ेगी, दृष्टि को शुद्ध रखना पड़ेगा और चिकनाई वाले भोजन से बचना पड़ेगा और भगवान और भक्तों के चरित्र में ध्यान लगाना पड़ेगा और इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, तब निष्ठा, जमीन पर सोना, गर्म दूध नहीं पीना, घी वाली चीज नहीं खाना, ऐसे सावधानी रखनी पड़ती है, और निश्चय बहुत पक्का हो तो होता है। फिर भी आसन पर बैठने का अभ्यास तो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 8 घंटा एक आसन पर बैठ जाते हैं तो 2 लगाते हैं तब भी 4 घंटा मान लीजिए, तो आपकी प्रगति हो सकती है। श्री राधे राधे। नाम जप करने में मौन सर्वोत्तम मुख्य बात है, मौन। जितना अधिक मौन रखेंगे उतना जप आपका ज्यादा होगा, संख्या भी बढ़ती जाएगी, आनंद भी बढ़ता जाएगा। किसी से बोलना बात करना बंद करना पड़ेगा। समय पूर्ण हो गया। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।